रिटायरमेंट इज कॉमन टू ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी जो तरीका मेजरमेंट का फिजिक्स सिखा सकती है वो कोई भी नहीं सिखा सकता। केमिस्ट्री में देखें पहला चैप्टर मेजरमेंट नहीं है, बायोलॉजी में देखें पहला चैप्टर मेजरमेंट नहीं है, मैथ्स में चेक कर लें पहला चैप्टर मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि फिजिसिस्ट मेजरमेंट का जो तरीका आपको देंगे कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहले हम चीज़ों को मेजर करने का तरीका सीखेंगे, यूनिट्स के साथ अपनी नाव भाव बढ़ाएंगे, दोस्ती करेंगे उनके साथ, कैसे एरर को रिपोर्ट करना है वो सीखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ फिजिक्स को। अच्छा, हाउ टू डिफाइन फिजिक्स। देखिए, एक वो डेफिनेशन है जो आप जानते हैं वो मैं बता देता हूँ, आप बताएंगे मैं बताऊँ, बात एक ही है। यू से फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मास, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। आपकी हद यहीं पे आ गई, जो आपको बताया गया वही आपको पता है। अब मैंने आपको यहाँ से ऊपर लेके जाना है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए ये याद रखिए, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस। फिजिक्स जिन चार सतूनों पर खड़ी हुई है, जिन चार पिलर्स पे खड़ी हुई है, वो चार पिलर हैं मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस। किसी भी फिनोमेना की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए फिजिक्स में आपने क्या कहना है, एक फिनोमेना उठाना और एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल, ये एक फिनोमेना है, मैंने एक मार्कर को छोड़ा, वो नीचे गिर गया, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना फिजिक्स का काम। तो दिस इज अ मास, इट कैरीज सम एनर्जी, इट कैरीज सम एनर्जी, है कि नहीं, विच एनर्जी, एंड द लॉस इन पोटेंशियल अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गेन। दिस इज हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हो रहा है कि नहीं हो। अच्छा, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, सूरज मशरक से निकलता है, इज इट ट्रू? तो आप लोग अभी जाके मशरक देखे, निकला हुआ अभी तो वहां पे मिलेगा? नहीं, देखो मैंने स्पेस लोकेट किया, टाइम लोकेट नहीं किया, मैंने आपको स्पेस बताई, सूरज मशरक से निकलता है, स्पेस से मुराद लोकेशन बताई, स्पेस से मुराद एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बताए, कि सूरज मशरक से निकलता है, लेकिन अभी जाके देखो तो होगा वहां पे? नो सर, नहीं होगा। तो फिर क्या जरूरी है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की? टाइम की स्पेसिफिकेशन जरूरी है। जब मैं आपको कहूंगा कि इतने बजे, यानी लेट्स से 6:15 के ऊपर सूरज निकलता है, या 5:45 पर सुबह के वक्त सूरज निकलता है, तब ये फेनोमेना कंप्लीटली डिस्क्राइब होगा। तो आपकी जो फिजिक्स की ओल्ड डेफिनेशन है उसने मैटर और एनर्जी का तो खुल के तस्करा किया, लेकिन दो मेजर इंपॉर्टेंट पिलर्स जो है फिजिक्स के वो नहीं डिस्क्राइब, जिनमें टाइम और स्पेस बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, के बगैर आप नहीं चल सकते, किसी भी फेनोमेना की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये भी एक फेनोमेना है कि नहीं? अच्छा चलें शुरू करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सवाल क्या होगा, आप किसी को जाके बताएंगे आज सर तैयब ने हमें पढ़ाया, तो पूछेगा भाई कहां पढ़ाया, तो आप कहेंगे जीनियस एडवर्डियन एकेडमी में। किस टाइम पढ़ाया, तो आप उधर टाइम मेंशन करेंगे। तो देखिए आपने क्या किया, स्पेस और टाइम मेंशन किए, किए कि नहीं किए? ये मेंशन ना करो तो क्या आप इस फेनोमेना को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो? तो फिजिक्स का क्या काम है, किसी भी फेनोमेना को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना। फिजिक्स आपके इर्द गिर्द होने वाले वाक्यात की एक्सप्लेनेशन देती है। तो अगर मैं यहाँ पे तस्करा करूँ स्कोप एंड इम्पोर्टेंस का, शायद मैं इसके स्कोप के ऊपर अगले 5 से 10 दिन भी लगा दूँ तो इसका स्कोप खत्म नहीं होगा, इसकी इम्पॉर्टेंस का जो हक है वो मैं अदा नहीं कर सकूँगा। लेकिन एक बड़ी छोटी सी बात आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री और मैथ्स ये बेसिकली क्या है जानते हो? केमिस्ट्री इज अप्लाइड फिजिक्स, मैथ्स इज आल्सो अप्लाइड फिजिक्स, यानी फिजिक्स की सब कैटेगरीज में केमिस्ट्री आती है।
फिजिक्स की सब कैटेगरीज में मैथमेटिक्स आती है। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ये अप्लाइड फिजिक्स है। मैथ्स बेसिकली क्या है, ये अप्लाइड फिजिक्स है। और अगर केमिस्ट्री को उठाओ ना, बायोलॉजी को उठाओ, मैंने बायोलॉजी का यहाँ पे तस्करा नहीं किया, तो बायोलॉजी क्या है बेसिकली, वो अप्लाइड केमिस्ट्री है। बायोलॉजी इज बेसिकली अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा देख रहे हो गौर से, अप्लाइड फिजिक्स से निकले हैं केमिस्ट्री और मैथ्स। और आगे देखो, अप्लाइड केमिस्ट्री जाके क्या बनती है, बायोलॉजी बनती है। बेसिक नॉलेज जितनी भी नेचुरल साइंसेस का जो मेन आप कह सकते हो मेन सोर्स है, वो क्या है, जी क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया इसका स्कोप। तो स्कोप अब ले जाते जो जितनी भी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, जितनी भी बायोलॉजी वो है एप्लीकेशन है, वो सारी फिजिक्स से मौजूद है। आप इसके बगैर नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंस की बात करूँ, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी ने नहीं दिया, ये जानते हो? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए जानते हो कि नहीं जानते? ये आपको फिजिक्स की मशीन, एक्सआरडी उसको कहते हैं, टेक्निक को कहते हैं एक्सरे डायफ्रेक्शन। एक्सरे डायफ्रेक्शन की मदद से आपने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी निकाला। एक्सरे डायफ्रेक्शन की मदद से आपने बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि डीएनए आरएनए, इनका स्ट्रक्चर भी फाइंड किया। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, फिजिक्स की वजह से आपको। यार अगर मैं शुरू करूँ ना, कटिंग ऑफ अ ट्री, बिल्डिंग ऑफ अ चेयर, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग या हाउस, योर कंप्यूटर, एलसीडीज, एलईडीज, पेशेंट मेडिकल एंड पेशेंट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सारी की सारी ये बल्ब्स, ये फैंस, आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंपोजिशन ऑफ एटम, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, फिजिक्स से आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों को फिजिक्स एक्सप्लेन कर रही है। तो ये एक बहुत ह्यूज किस्म की फील्ड है जिसने अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को समा के रखा हुआ है, बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करता चला जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंस इसकी, यू कैन से इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ कॉमन मैन टू इनकम्पस ऑल दोज थिंग्स व्हिच अ फिजिक्स कैन डू, व्हिच अ फिजिक्स कैन एक्सप्लेन। लेकिन होता क्या है, देयर इज ऑलवेज वन मेन थिंग, वो क्या होती है, ये बिल्डिंग बड़ी कम्प्लेक्स होगी लेकिन इसका नक्शा, इसका मैप बेस्ड है इसके पिलर्स पे। सारी बिल्डिंग अगर ख़राब हो जाए तो पिलर्स से अंदाज़ा हो जाता है कि इस बिल्डिंग का नक्शा क्या है। हम क्या करते हैं, पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन सर्टन लॉस को मास्टर करते हैं, जैसे न्यूटन लॉस पढ़े हुए आप लोगों ने। पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स किस पे बेस्ड है, न्यूटन लॉस पे बेस्ड है। आप न्यूटन लॉस की मदद से सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पावर है। अब वो न्यूटन लॉस कैसे अप्लाई करना है, वो तरीका यहाँ पे सीख रहे हैं। समझ आई कि नहीं? अच्छा इसी तरह अगर आप ब्रांचेस की बात करें, देयर आर हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जानते हो? हम क्यों ब्रांचेस बनाते हैं, ताकि स्टडी को आसान बना सके, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए। ब्रांचेस में आपके पास फिजिक्स के दो डोमेन्स हैं, एक है आपके पास क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। What is classical physics? Physics that deals with the study of macroscopic bodies. Classical physics किस चीज़ के साथ deal करती है? Study of macroscopic bodies. With a limitation as well, उसके ऊपर एक शर्त भी है। Moving with small speeds. माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, जिनको हम नेकेड आई से देख सकें, हमें उसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे प्लैनेट्स, जैसे सन है,
इन तमाम बॉडीज को मैक्रोस्कोपिक बॉडी कहेंगे और इनके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज को, इनकी स्पीड्स को हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करेंगे। स्मॉल स्पीड से मुराद क्या है कि स्पीड शुड नॉट अप्रोच स्पीड ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत कम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 meters per second। मतलब आता है इसका, ये सी क्या रिप्रेजेंट है, किस वर्ड का सिंबल है? दिस इज सिंबल फॉर व्हाट? सी। देखिए आप तो मुझे वर्ड का ओरिजिन नहीं बता रहे, लैटिन वर्ड है सेलेरिटस जिसका मतलब है स्पीड। ये सी वहां से आया है, वरना फिजिक्स में जो सिंबल लेते हैं स्पीड के लिए वो भी है। स्पीड ऑफ लाइट के लिए स्पेशल सिंबल है सी, स्मॉल सी। अब ये है कितनी, इसको समझो जरा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हो? यस सर। जी सर। फिर अब इस स्पीड को जरा क्वांटिफाई करो, इट इज 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर पर सेकंड। अब समझो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000। लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो हर एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम में या एयर में। लाइट की स्पीड 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, अ नंबर दैट यू एंड आई कांट इमेजिन। हम ज्यादा से ज्यादा भी जोर लगा लें तो क्या कर लेंगे, पड़ेगी बस में बैठ जाएंगे, वही सबसे हाई स्पीड से जाती है। फिर समझ आई कि नहीं आई? लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को देखो, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का मतलब है कि हर एक सेकंड में कितने किलोमीटर कवर हो रहे हैं? 3,00,000 किलोमीटर कवर हो रहे हैं। इमेजिन करो सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 8.2 मिनट्स, 8 मिनट और 20 सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि सन और अर्थ के दरमियान फासला कितना होगा? द वेरी बेसिक फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वी टी। व्हाट इज स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड, व्हाट इज द टाइम? 8 मिनट एंड 20 सेकंड। मैं ऐसा करता हूँ, सिंपली 8 मिनट ले लेता हूँ। इन एवरी मिनट देर आर हाउ मेनी सेकंड्स? इनको मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा कि सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस कितना है। 6 × 8 = 48। 8 × 3 = 144 and it's about 144 आएगा। मेरे ख्याल से आप करके देखना चाहते हैं तो 8 × 6 gives 144 मतलब 8 × 12 48 × 3 becomes 4 and 2 3 × 4 12 144 it's 144 × 10⁸ मीटर, क्योंकि ये सेकंड के साथ कट जाना था। अब अगर इस वैल्यू को देखें, इट इज 1.44 × 10⁻¹⁰ मीटर, या फिर मैं ले लेता हूँ 1.44 × 10⁷ किलोमीटर लिख सकता हूँ। कन्वर्जन्स में आपको सिखाऊंगा बाद में। अच्छा, ये दो पॉइंट जरा यूज कर लेते हैं, दो डेसिमल प्लेसेस के लिए दो पावर्स चली गई, 5 पावर्स बच गई, 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,000,000, 10,000,000 करोड़। 1,44,00,000 किलोमीटर डिस्टेंस है सन और अर्थ के दरमियान। 1,44,00,000 किलोमीटर। मैं चलो तुम लोगों को अर्थ की औकात बताता हूँ इस डिस्टेंस के सामने। अर्थ का रेडियस कितना है? 6 × 10⁶ शाबाश, जिसको आप 6,400 किलोमीटर लिख सकते हैं। अर्थ का डायमीटर क्या होगा? 12,800। लेट्स से अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, 13,000 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर है। यानी कि आप अर्थ के सिरे से स्टार्ट करके इस सिरे तक पहुंचना चाहते हैं तो कितना डिस्टेंस ऑलमोस्ट कवर करेंगे? 13,000 किलोमीटर। किधर ये 13,000 किलोमीटर की औकात, और कहां पर सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस? वो ये 1,44,00,000 किलोमीटर। अब लाइट की स्पीड इमेजिन करो और हमारी स्पीड्स को देखो। मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो डेली लाइफ स्पीड्स हैं मोटरवे पे, हम क्या कर लेंगे, 120 किलोमीटर पर आवर से चले जाएंगे। चलो मैं कहता हूँ आप बड़ी अच्छी सी कार ले लो, सारी स्पीड लिमिट्स वायलेट कर दो, आप कार में ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे।
200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब है 55 मीटर पर सेकंड, सिर्फ 55 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो यह आएगा 0.055 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, आप अपनी स्पीड देखें, आप मोटरवे पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और वो स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में है कितनी, 0.055 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी हाई स्पीड होने के बावजूद लाइट सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रही है, 8 मिनट ले रही है। अच्छा, ये जानते हो कि करीब तरीन सितारे की रोशनी हम तक कितने टाइम में पहुंचती है, जो रात को छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं, करीब तरीन सितारे की रोशनी आप तक कितने टाइम में पहुंचती है, गैस कर लो। चलो एक रैंडम अनएजुकेटेड गैस लेते हैं, 10 मिनट, थोड़ा ज्यादा करें, 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा, 25 से थोड़ा ज्यादा, 28 मिनट, सवा एक साल। करीब तरीन सितारे की रोशनी आप तक पहुंचने के लिए 1.25 ईयर्स का अरसा लेती है, समझ आई, तकरीबन 15 महीने। अब अभी अगर वहां से लाइट का एक पार्टिकल, लाइट का एक फोटॉन एक करीब तरीन सितारे से रवाना हो तो सवा एक साल बाद यहाँ पे पहुंचेगा। बहुत बड़ी चीज अगर बहुत दूर हो तो वो छोटी नजर आती है कि नहीं, आपको पता है जमीन के मुकाबले में सूरज का जो साइज है वो कितना बड़ा है, एक सूरज इतना बड़ा है कि अगर आप उसके अंदर 1000 जमीनें और भी डाल दें तो वो फिल नहीं होता। सूरज आपसे इतना बड़ा है और नजर कितना आता है इतना सा, क्यों, व्हाई, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। एक छोटे से छोटा सितारा फिर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप उसमें उठा के 1000 सूरज भी डाल लें वो बेचारा भी फिल नहीं होगा। तो फिर आप अंदाजा लगाएं, मैं खाली इस गैलेक्सी की बात करता हूँ, अपने रब की शान को देखो, आपकी गैलेक्सी में, सिर्फ आपकी इस गैलेक्सी में 5.5 अरब सितारे हैं, सिर्फ हमारी इस गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, करीब तरीन गैलेक्सी का नाम क्या, एंड्रोमेडा। और कायनात में टोटल कितनी गैलेक्सीज हैं जानते हो, डिस्कवर्ड यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, कायनात की हदें अभी हम नहीं जानते, डिस्कवर्ड यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ी ज्यादा है, 5,500 गैलेक्सीज मौजूद हैं। गैलेक्सी का मतलब समझते हो, एक सूरज और उसके 11-12 प्लैनेट्स, ये एक गैलेक्सी और फिर उसके अपने स्टार्स। और नॉन गैलेक्सीज की तादाद डिस्कवर्ड यूनिवर्स में अभी तकरीबन 5,000 से 6,000 में चल रही है। अच्छा, गैलेक्सीज कंबाइन हो तो क्या बनता है, प्लैनेट्स कंबाइन हो तो गैलेक्सी बनती है, गैलेक्सीज कंबाइन हो तो क्लस्टर बनते हैं, मीटेराइट्स, इतने अरबों सितारे हैं हमारे रब की कायनात में, इतने ज्यादा सितारे हैं कि कोई उसे गिन ही नहीं सकता। तो अल्लाह कहता है जरा आसमान की तरफ नजर करो ना, कभी कायनात के ऊपर गौर तो करो। हमने छोटा सा सहरा का सफर करना था, अल्लाह ताला ने कितने बड़े बड़े सितारे लगा दिए उसके अंदर कि रात को नजर आए, और अरबों किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं सिर्फ एक छोटे से इंसान के सफर के लिए। इतना लाड प्यार कोई किसी से कहाँ कर सकता है सिवाय अल्लाह की, कि इस मिट्टी से बने हुए इंसान से इतनी मोहब्बत की कि उसके सहरा के सफर के लिए अरबों सितारों से आसमान सजा दिए, कि इसे सहरा में सफर करना है तो सितारों को देख के, वरना सहरा तो बस फिर गुम जो, उधर तो कोई साइन बोर्ड नहीं लगे हुए, ये जवाहर टावर है, ये सिटी टावर है, ये अरबाब रोड है, समझ आ रही है मेरी बात। इसी इंसान की खातिर अल्लाह ताला ने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पैदा की है, समंदर में भी तो साइन बोर्ड नहीं लगे हुए कि अब इधर जाओ और अब उधर जाओ, समंदर में क्या काम करता है, कंपास, मैग्नेटिक कंपास काम करता है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अपनी डायरेक्शंस लेता है, वरना आप समंदरों का सफर भी ना कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कौन एक्सप्लेन कर रहा है, फिजिक्स, आपको फिजिक्स सिखा दी है कि नैरो माइंडेड मत बनो, दिमाग खोलो, बड़ा करो, तुम्हारे रब की कायनात बहुत बड़ी है। और जब आप इतनी बड़ी कायनात का सफ़र करते हैं तखयलात में, तो आपके तखयलात की परवाज़ करता हुआ पंछी थक के गिर जाएगा, लेकिन आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे रब की कायनात कितनी बड़ी है।
फिजिक्स एटलीस्ट आपको एक टेस्ट दे सकती है तमाम साइंसी उलूम का आखिरी जो सोर्स है वो कहाँ पे जा रहा है, कुरान की तरफ। और कुरान फिर किस तरफ लेके जाएगा, अल्लाह की तरफ लेके जाएगा। समझ आएगी नहीं? तो आपको एक और बात बताता हूँ, ये बातों से बात निकली, सूरह रहमान के पहले चार वर्ड्स में कभी गौर किया? अर रहमान, अल्लामा अल कुरान, खलक अल इंसान, अल्लामा अल बयान। चार चोटी की आयत, चार पुल बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। अल्लाह के नामों में सबसे सबसे खूबसूरत नाम अर रहमान, रहमत करने वाला, क्योंकि हमें अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है। अल्लाह की रहमत के बगैर हम कुछ भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। तो एक सहाबी ने थोड़ा हिम्मत करके पूछा कि क्या आप भी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जिन अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत नहीं जा सकता, या तक मैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ इशारा किया। तो अल्लाह के नामों में सबसे बड़ा नाम, चोटी का नाम, रहमान। फिर अर रहमान, आगे अल्लामा अल कुरान। तो जिक्र में सबसे चोटी का जिक्र, सबसे आला जिक्र कुरान का। आप कोई भी जिक्र करें, फरिश्ते अल्लाह की तरफ लेके जाएंगे। कुरान पढ़े, अल्लाह खुद सुने, मेरा बंदा पढ़ रहा है मुझसे मुखातिब। तो नामों में सबसे चोटी का नाम अर रहमान, जिक्र में सबसे चोटी का जिक्र कुरान। खलक अल इंसान, अब बताओ मखलूकात की तखलीक में सबसे आला तखलीक इंसान, तो सबसे आला तखलीक अल्लामहुल बयान। अब बताओ जिसको बोलना सिखाया, तो बहुत सी प्रॉपर्टीज दी गई मखलूकात को, लेकिन इंसान किस प्रॉपर्टी की वजह से दूसरी मखलूकात से डिफरेंट हुआ? अल्लामहुल बयान, उसे बोलना सिखाया। देखो दिमाग तो बंदर के पास, दिमाग तो चिड़िया के पास भी, दिमाग तो मछली के पास भी। एक्सप्रेशन कौन दे सकता है, उन ख्यालात को एक्सप्रेस कौन कर सकता है? इंसान। तो इन सिफात में, तमाम मखलूकात की सिफात में सबसे चोटी की सिफ्त, सिफ्त बयान, बोलने की खासियत। तो बहरहाल मैं आपको सिर्फ बता ही रहा था, पैटर्न की तरफ वापस आता हूँ कि तमाम उलूम अल्टीमेटली आपको कहाँ पे लेके जाएंगे? कुरान की तरफ। और कुरान आपको कहाँ लेके जाएगा? अल्लाह की तरफ लेके जाएगा। तो साइंस को पढ़ने और समझने का एक मकसद ये भी है, अपने रब से मुलाकात हो जाए, उसकी अजमत का एतराफ़ हो जाए। हमारे दिल में हम किसी और से इम्प्रेस हों, कहीं पे बॉलीवुड के हीरो से इम्प्रेस हों, कहीं पे हॉलीवुड के हीरो से इम्प्रेस हों, कहीं पे किसी की दौलत से इम्प्रेस हों, कहीं पे किसी की खूबसूरती से इम्प्रेस हों, जिक्र उसका हो जिसके जिससे इम्प्रेस होने में हमारी पूरी पूरी कामयाबी है। तो जब हमें अल्लाह के, अल्लाह से कोई मुलाकात करवाएगा, अल्लाह की खूबी बयान करेगा, अल्लाह से किसी का तरफ होगा, तो जब अल्लाह के ही दिल, अल्लाह की दिल में मोहब्बत पैदा होगी, इस दिल में फिर अल्लाह की ही इताअत पैदा होगी, ये दिल अल्लाह की तरफ रग़बत करेगा। तो जिस चीज़ का चर्चा ज़्यादा होता है, याद रखो जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हुई, सारे उसके पीछे चल पड़ेंगे। समझ आएगी नहीं? उसका एक सबूत ये क्लास भी है, किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेडिकल के स्टूडेंट्स की, डॉक्टरी के शोबे में कामयाब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, आप लोगों में से ज़्यादातर किसी शो की वजह से नहीं, ट्रेंड की वजह से मेडिकल की तरफ आ गए। समझ आ रही है कि नहीं? उससे भी किया, उससे भी किया, उसकी बड़ी इज्जत हुई खानदान में, आप मुझे भी करो। उसके माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मेडिकल कॉलेज में, मुझे भी जाना। समझ आ रही है मेरी बात? तो ट्रेंड के पीछे आप लोग चलेंगे, तो जिस चीज़ का जिक्र ज़्यादा होगा फिर उसका एतराफ़ भी दिल में उतर जाएगा और इंसान उसी को फॉलो करेगा। इसलिए बोलना बिल्कुल कम कर दें, सोचें ज़्यादा, कंसंट्रेट ज़्यादा करें, लेज़र बीम की तरह बने, और उसके बाद अपने टारगेट्स को स्पेसिफाई करें कि मैंने ये टारगेट्स कैसे अप्रोच करें। साथ साथ फिर मैं आप लोगों को मज़ीद गाइडलाइन भी देता रहूँ। अच्छा, अब इस क्लासिकल फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं? इसकी आपके पास तीन ब्रांचेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं,
हिस्ट्री आपके पास क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थर्ड आपके पास क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कभी पढ़ी है ये यस सर पढ़ी नहीं ये क्लासिकल नहीं सर यस सर पढ़ी ये आपने सारी पढ़ी है आपको पता नहीं रोड मैप बड़ा जरूरी होता है मैंने आपको कहा ना जब किसी मंजिल का सफर करेंगे तो नक्शा सबसे पहले आएगा उसके बाद प्लान आएगा उसके बाद आप सफर शुरू करेंगे यहाँ पे ना आपको नक्शे का पता होता है ना प्लान बनाते हैं दौड़ पड़ते हैं मंजिल की तरफ उससे फिर कंजम्पशन बड़ी ज्यादा होती है आपकी एनर्जी मंजिल में तो शायद पहुंच जाए लेकिन एनर्जी बड़ी कंज्यूम होगी और वक्त बड़ा ज्यादा लग जाएगा अच्छा सबसे कीमती चीज कायनात की कौन सी है वक्त टाइम टाइम इज मनी गुजर गया वापस यहाँ तो आपने टाइम का इस्तेमाल बड़ा प्रॉपरली करना है तो बहरहाल न्यूटोनियन या क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है किस चीज के ऊपर इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉस पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल इक्वेशंस अच्छा मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी है आपका जवाब होगा नो सर नहीं पढ़ी ना मैक्सवेल इक्वेशंस कोई एक मैक्सवेल इक्वेशन बता दो अगर पढ़ी है मैक्सवेल थ्योरी तो थ्योरी है उस थ्योरी से कुछ इक्वेशंस आई हैं वो इक्वेशंस पूछो आपने पढ़ी है आपको पता नहीं है क्यों आपने सफर तो किया है लेकिन ना आपके पास प्लान था ना आपके पास मैप था फैराडे ला पढ़ा हुआ है फैराडे ला कूलम ला पढ़ा हुआ है एम्पेयर ला पढ़ा हुआ है ये नहीं पढ़ा होगा अच्छा ये जो कूलम ला है ये जो फैराडे ला है ये जो एम्पेयर ला है इसके अलावा एक आता है गॉज़ेस लॉ ये सारी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं कुछ आप जानते हैं कुछ आप नहीं जानते सेकेंड ईयर में इन सारों को देखेंगे इंशाल्लाह और फिर क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ी और केमिस्ट्री में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ना आपकी बुक बेसिकली क्या करने लगी है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पहले 9 चैप्टर सारे के सारे क्लासिकल फिजिक्स हैं चैप्टर 10 सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का ओवरव्यू है इसमें फिर आपका सेकंड ईयर में 11, 12, 13, 14, 15 फुल क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ पे आपने जाके इसको स्टडी करा 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड है 17 इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका भी कुछ हिस्सा आप लोगों ने अपनी मैट्रिक की कोर्स में देखा इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आपको मॉडर्न फिजिक्स की तरफ अगर आप आते हैं तो डील्स विद चेंज करो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज मैक्रो का सेक्शन कवर हो गया तो अब कौन सा रहेगी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के साथ अच्छा दे आर मूविंग विद स्पीड विद ग्रेटर स्पीड हाँ जी Moving with the speeds, इसके बारे में बता देता हूँ Approaching the speed of light. Physics एक बड़ा precise subject है यार Word इधर से उधर कर दो तो सारा मतलब बदल जाता है इस बात का क्या मतलब है Speed of light के बराबर Speed of light के बराबर नहीं उसके करीब तरीन speed अब इक्वलिटी में और अप्रोक्सीमेटली इक्वल में बहुत बड़ा फर्क है यही फिजिक्स सिखाती है कि आपने प्रिसिजन इख्तियार करना है छोटी छोटी बातों को ओवरलुक नहीं करना मैं जब कह रहा हूँ स्पीड अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट तो इसका मतलब कि आपकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के करीब तो चली जाएगी लेकिन ये कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ये याद रखें नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन मूव विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव ही नहीं कर सकता उसकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस है अपना डोमेन है वो आपको सेकेंड ईयर में समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों है लेकिन उससे एक बात मुझे याद आती है E is equal to mc square का मतलब किसी को आता है
यस सर मास एंड एनर्जी आर सेम कन्वर्टेबल एंटिटीज और आप कितनी स्पीड से जाएं तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट या स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मोस्टली देखिए आप लोग वही कह रहे हैं जो कि नहीं कहना चाहिए अब सुनो मेरी बात जो आपने कहा उसके ऊपर भी और जो मैं कहने लगूं उसको भी गौर से सुनो मैंने जस्ट आप लोगों को एक थोड़ा सा पुश दिया और आप लोगों ने जाके वो गलती की जो नहीं करनी चाहिए आप कह रहे हैं अगर मास ये रिलेशन बताता है कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है मतलब मास भी एनर्जी में जा सकते हैं एनर्जी भी दैट्स गुड ये आपको पता है वेरी गुड फिर मैंने कहा कितनी स्पीड से जाए तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो आप लोगों ने कहा स्पीड ऑफ लाइट तो फिर मैंने थोड़ा सा और तंग करने के लिए कहा स्क्वायर लगा लो तो आपने कहा जी स्क्वायर पहले तो स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता स्क्वायर तो बड़ी दूर की बात है फिर दूसरा फिजिक्स डेली लाइफ पे अप्लाई करोगे तो समझ आएगी मुझे एक बात बताओ लकड़ी जलाइए कभी कोयले जलाएं yes, sir. तो क्या लकड़ी और कोयले को स्पीड ऑफ लाइट से ले जाते हो कि वो जल जाए आपने अभी मुझे यही कहा है कि मैं लकड़ी को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे लकड़ी को स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ले जाना पड़ेगा ये आप लोगों ने अभी कहा जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं You don't have to move a wood piece or a coal with the speed of light in order to convert into energy. आपको wood को या coal को energy में convert करने के लिए speed of light से ले जाने की कोई भी ज़रूरत? ये सिर्फ इधर एक proportionality constant है. C square is merely a proportionality constant. इसका और कोई role नहीं है. अच्छा, mass energy में convert होता है. Energy भी mass में convert होती है. Example. सनलाइट का वैसा ये फोटोसिंथेसिस का अक्सर लोग नाम ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस में जो है ना वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है मैंने तो कभी नहीं देखा तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ वो फोटोसिंथेसिस का वही पुराना चक्कर है आज भी मेरे ख्याल में मुझे तो याद नहीं है पूछ रहा हूँ ADP में कन्वर्ट हो जाता है यही चक्कर है अब ADP में कन्वर्ट होता है तो वो सारी एनर्जी कहाँ से आती है सनलाइट से डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में जा रहे हैं तो किसकी मदद से एनर्जी की मदद से वो एनर्जी डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रही है तो एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है बॉन्ड में उससे कोई मास तो नहीं बढ़ा समझ आई कि नहीं आई वहाँ पे सनलाइट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी मास तो वहाँ पे कहीं भी नहीं पैदा हुआ ये होता है एटॉमिक लेवल पर डेली लाइफ में आप इसे देख ही नहीं सकते जो कि आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन होता है और दो गैमा रेज फोटॉन इमिट करता है फोटॉन जानते हो किसे कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी पैकेट कॉम फोटॉन कहते हैं पॉजिट्रॉन जानते हो किसे कहते हैं इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बराबर होता है लेकिन पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ये फर्क है इनका तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे की वेसिनिटी में आके कंबाइन होते हैं तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पेयर प्रोडक्शन तो डेली लाइफ में आपके पास ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि आप डेली लाइफ से बता सकेंगे ये जो एनर्जी है ये मास में कन्वर्ट हो रही है ये हो तो रहा है लेकिन कौन से लेवल पर तो मॉडर्न फिजिक्स का ही काम है कि इन चीज़ों को चेक करें आपको बताएगी ये हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तो किन लॉज के मुताबिक हो रही है इसकी दो फेमस ब्रांचेस हैं उनमें आपके पास एक ब्रांच आ रही है लेट मी डिवाइड इट हियर एक ब्रांच आ रही है क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरी ब्रांच आ रही है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या रिलेटिविटी रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम सुना आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन वहीं से तो आई है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तो ये इक्वेशन है लेकिन एनीवेज आपको ये बताना चाह रहा हूँ आपका ताल्लुक क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट ईयर बाकी ये जितना भी सेक्शन है हमारा ये मॉडर्न फिजिक्स का सेकेंड ईयर चैप्टर 18, 19, 20 वहाँ पे आप इसको फिर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे फिर आपके ऊपर एक नई दुनिया के दरवाजे खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि ये मोबाइल सेल फोन कैसे पॉसिबल है ये फास्ट से फास्ट कंप्यूटर कहाँ से आ रहे हैं हम डेस्कटॉप से लैपटॉप की तरफ कैसे चले गए हम बड़े बड़े फोन से इतने छोटे छोटे फोन की तरफ कैसे आ गए हम इतने
हाई थिकनेस रखने वाले, बड़ी थिकनेस रखने वाले सेलफोन से इतने स्लिम और स्मार्ट सेलफोन्स की तरफ कैसे आ गए? ये सारे कारनामे कहाँ पे आ रहे हैं? ये फिजिक्स की वजह से आ रहे हैं, सब कुछ फिजिक्स की वजह से। ठीक है, तो ये आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास के थ्रू।